नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। काली हल्दी के टोटके होली पर सबसे ज़्यादा आजमाए जाते हैं, तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जो आपके आकर्षण में वृद्धि तो करते ही हैं, साथ ही धन आगमन के रास्ते आसान बनाते हैं, शत्रुओं से भी रक्षा करते हैं। अब आकर्षण का उपाय, काली हल्दी को होली के दिन सिद्ध मुहूर्त में शुद्ध करके गुगल की धूप दें। होली पूजन के समय उसे घिसकर उसका तिलक लगाएं। इस प्रयोग से मनचाहा व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं धन का उपाय। होलिका दहन के पूर्व पूजन करते समय शुभ सिद्ध मुहूर्त में काली हल्दी को शुद्ध कर उस पर घी मिश्रित सिंदूर लगाएं, चांदी की प्लेट में रखें, गुगल की धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात लाल रेशमी वस्त्र में चांदी के सिक्कों के साथ बांध दें, फिर तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं उस स्थान पर रख दें। ये प्रयोग धन की वृद्धि करता है। जानते शत्रु से निवारण के लिए होली दहन के समय काली हल्दी शुद्ध कर उस पर सिंदूर लगाएं और उसे काली रेशमी वस्त्र में 4 कौड़ी 8 काली गुंजा के साथ बांधकर पोटली बनाकर रख दें। गूगल की धूप दिखाएं और घर के मुख्य द्वार की चौखट में इस प्रकार लगाएं कि वह बाहर से किसी को नजर ना आए। इससे शत्रु तो निवारण होगा ही, शत्रु के द्वारा किए गए किसी भी प्रयोग से रक्षा होती है। होली का दिन तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन अभिमंत्रित कर जड़ी बूटी पर खर लाई जाती है, कई प्रकार के मंत्रों की सिद्धियां भी की जाती हैं। काली हल्दी क्या है चलिए जान लेते हैं। काली हल्दी दिखने में अंदर से हल्के काले रंग की होती है और उसका पौधा केली के समान होता है। काली हल्दी में बहुत ही गुणकारी प्रभाव होता है, इसमें वशीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। काली हल्दी को कैसे अपने घर पर आमंत्रित करें चलिए जान लेते हैं। काली हल्दी के पौधे को कुमकुम पीले चावल से अभिमंत्रित कर होली वाले दिन लाया जाता है। अभिमंत्रित करने का तरीका क्या है चलिए जान लेते हैं। एक थाली में कुमकुम चावल अगरबत्ती कलश में शुद्ध जल रख पवित्र कोरे वस्त्र पहन कर जाएं। फिर पौधे को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम चढ़ाएं और पीले चावल चढ़ाकर 5 अगरबत्ती लगाकर कहें, मैं आपसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आया हूँ, कल आपको मेरे साथ मेरे मनोकामना पूर्ति के लिए चलना है। फिर होली की रात को जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहें कि मैं आपके पास आया हूँ, आप चलिए मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। इस प्रकार काली हल्दी ये जड़ में होती है, खोद कर ले आएँ, बस यही आपके काम की है। ये काली हल्दी आपके जीवन में अपार शुभता लाएगी। इसे जिस मनोकामना के लिए लेकर आए हैं तब तक ही रखें, जैसे ही कामना पूरी हो नदी में विसर्जित कर दें। अगर आप हर तरह की शुभता के लिए इसे लेकर आना चाहते हैं तो चांदी के पात्र में रखकर इसे तिजोरी में बंद कर दें। ऐसी खास बातें मैं श्रुति द्विवेदी लाऊंगी आपके लिए केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।